मेरा जाने का समय आ गया है, मेरी सांसें उखड़ने वाली हैं। मेरी प्यारी बेटियों, मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद तुम तीनों प्यार से रहना, हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी से मिलकर रहना बेटी। ये कहते हुए लक्ष्मी ने अपनी अंतिम सांस ली। माला और सुधा को अपनी माँ के चले जाने का इतना गम नहीं था जितना कि रागिनी को था। माला और सुधा रागिनी की बड़ी बहन थी। वो दोनों रागिनी से बहुत जलती थी क्योंकि रागिनी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। माला और सुधा बहुत ही चालाक थी। वो दोनों रागिनी से घर का सारा काम करवाती थी और खुद सारा दिन भर आराम करती रहती थी। इतना ही नहीं, बेचारी रागिनी जंगल से फल तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन की बात है, माला दीदी आज जूठे बर्तन आप धो लो, मुझे बाजार जाने में देरी हो रही है। तुझे मैं खाली बैठी हुई दिखाई दे रही हूँ, सुबह से आंगन में बैठे बैठे मेरा कमर दर्द हो रहा है। दीदी मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया है, मुझे भूख भी लग रही है। क्या कहा, तुझे भूख लग रही है? मैंने तेरे लिए रसोई में खाना रखा है, जा जल्दी से खाकर बाजार चली जा। और हाँ, आज अच्छी बिक्री होनी चाहिए, समझ गई? ठीक है दीदी। उसके बाद रागिनी खाना खाने रसोई में गई। उसने जैसे ही बर्तन उठाया तो वो दुखी होते हुए बोली, अरे ये क्या, ये तो बासी चावल है। पर बेचारी रागिनी करती भी क्या, उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने चुपचाप वो बासी चावल खा लिया। उसके बाद रागिनी फलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर उसके जाते ही माला और सुधा मजे से बैठकर खाना खाने लगी। सुधा तुमने तो आज बहुत बढ़िया चिकन बिरयानी बनाया है। बाकी बातें बाद में करना, जल्दी जल्दी खा ले इससे पहले कि वो कल मुँह ही आ जाए। वैसे भी सुबह तो बासी चावल खा कर गई थी, अब रात को क्या खाएगी? कुछ बचेगा ही नहीं तो खाएगी क्या? कह दूंगी आज खाना बनाया ही नहीं, बेचारी भूखी सो जाएगी। बड़ी माँ की लाडली बनी फिरती थी, कुछ दिन खाना नहीं खाएगी तो अपने आप ही मर जाएगी। वहीं दूसरी ओर रागिनी कड़ी धूप में सड़क किनारे बैठ फल बेच रही थी। धीरे धीरे कर उसके सारे फल बिक गए, बस टोकरी में 6-7 सेब ही बचे थे। आज तो मेरी अच्छी बिक्री हुई है, बस ये थोड़े बहुत सेब बच गए हैं। कब तक धूप में बैठी रहूं? घर चलती हूं, रास्ते में भूख लगेगी तो इन्हें खा लूंगी। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बिटिया मुझे ये सेब दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छा हुआ आप समय पर आ गईं, मैं घर जाने वाली थी। पर बिटिया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मैं उसके लिए सेब ले जाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं अम्मा, आप ये सेब ले जाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या सच में? हाँ माँ आप ले लो। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, रुको मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। ये कहते हुए बूढ़ी औरत ने अपने फटे हुए थैले में से एक छोटी सी कटोरी निकाली और रागिनी को देते हुए बोली, इसे तुम सदा अपने पास रखना, तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है बिटिया तुमने सुबह से ढंग से खाना नहीं खाया। जाओ घर जाओ और घर जाकर इस कटोरी से कहना मुझे खाना दे दे, तुम जो भी खाना चाहोगी वो ये तुम्हें दे देगी। क्या सच में अम्मा? हाँ बिटिया, क्योंकि ये जादुई कटोरी है। इतना कहकर बूढ़ी औरत गायब हो गई। रागिनी यहाँ वहाँ देखने लगी लेकिन उसे बूढ़ी औरत कहीं दिखाई नहीं दी। उसके बाद रागिनी बूढ़ी अम्मा की दी हुई कटोरी लेकर घर की ओर चल दी। जब वो घर पहुंची तब आंगन में बैठी हुई सुधा गुस्से से बोली, आ गई तू, दिखा तेरी आज कितनी कमाई हुई है। दीदी कमाई तो बहुत अच्छी हुई है, आज मेरे सारे फल बिक गए, ये लो पैसे। ये कहते हुए रागिनी ने सुधा को पैसे दिए। सुधा पैसे गिनते हुए रागिनी से बोली, पर ये तो कम लग रहे हैं, बाकी पैसे कहाँ गए? लगता है बाकी पैसे अपने ऊपर खर्च करके आई है। नहीं दीदी पैसे तो पूरे हैं, बस गिनती के 2-4 फल ही बचे थे, वो मैंने बूढ़ी अम्मा को दे दिए। बेचारी के पास पैसे नहीं थे लेकिन उन्होंने मुझे पैसे के बदले ये कटोरी दी है। क्या कहा कटोरी? एक काम कर, इस कटोरी में जाकर भीख मांग कर हमारे लिए ढेर सारे पैसे ला, बड़ी दानवीर बनी फिरती है कमबख्त। पर दीदी ये कटोरी तो। हाँ इस कटोरी में पानी डालकर पी ले, घर में खाना नहीं है, जा अपने कमरे में जा और पानी पीकर सो जा। रागिनी उदास होते हुए अपने कमरे में चली गई और खाली बर्तन देखते हुए बोली, मैं दोनों दीदी से कितना प्यार करती हूँ लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी रागिनी की नज़र अम्मा की दी हुई कटोरी पर गई।
क्यों ना मैं इस कटोरी से कुछ मांग कर देखती हूँ। अम्मा ने कहा था कि मैं इससे कुछ भी मांग सकती हूँ। सुनो कटोरी, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। इतना कहते ही कटोरी में से तेज रोशनी निकली और ढेर सारे पकवान से भरा हुआ थाल प्रकट हो गया। ये देख रागिनी खुश होते हुए बोली, अरे वाह, ये तो जादुई कटोरी है। इतना सारा पकवान, जाकर दीदी को भी बुलाती हूँ, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया होगा। इतना कहकर रागिनी माला और सुधा को बुलाने उनके कमरे में जाने लगी। वहीं दोनों बहनें आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थीं। अच्छा हुआ कंबखत को पता नहीं चला कि आज हमने चिकन बिरयानी खाया है। अच्छा ही है, भूखी रहेगी तो चेहरे का रंग अपने आप फीका पड़ जाएगा। अपने आप को बड़ी विश्व सुंदरी समझती है ना? हाँ। दोनों की बातें रागिनी कमरे के बाहर खड़ी सुन लेती है और चुपचाप बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई और पेट भर खाना खाकर सो गई। फिर अगली सुबह गांव में राज्य के कुछ सैनिक आते हैं और घोषणा करते हैं, सुनो सुनो सुनो, आज राजकुमार प्रताप के जन्मदिन के अवसर पर महारानी सुभद्रा ने सभी गांव वालों को निमंत्रण दिया है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं भोज के लिए। ये खबर सुनते ही सुधा और माला खुशी से उछल पड़ी। सुधा, सुना तुमने, आज राजकुमार प्रताप का जन्मदिन है। सुना है राजकुमार बहुत सुंदर है और उनकी अभी शादी भी नहीं हुई है। हाँ हाँ, हम दोनों अच्छे से तैयार होकर जाएंगे और राजकुमार से मिलकर आएंगे। इतने में पास खड़ी रागिनी बोली, मैं भी जाऊंगी आप दोनों के साथ। अगर तू हमारे साथ जाएगी तो घर कौन संभालेगा? घर कितना गंदा पड़ा है, ज्यादा हवा में मत उड़, समझी? जाकर घर की साफ सफाई कर और उसके बाद बाजार जा, समझी? चलो सुधा, कमरे में चलो, जल्दी से बढ़िया सी साड़ी और गहने निकाल कर तैयार कर लेते हैं। शाम को देखना, हम दोनों बहनें ही सबसे सुंदर लगेंगी। हाँ हाँ, राजकुमार तो हमें बस देखता ही रह जाएगा। इतना कहकर दोनों बहनें राजकुमार के जन्मदिन पर जाने की तैयारियां करने लगी। वहीं दूसरी ओर बेचारी रागिनी घर के सारे काम खत्म कर फलों की टोकरी लेकर बाजार में बेचने चली गई। शाम को जब वो घर लौटी तब माला और सुधा तैयार होकर जाने लगी। ये देख रागिनी बहुत उदास हो गई। काश मैं भी राजकुमार की जन्मदिन पर जा पाती। अगर मेरे पास भी सुंदर कपड़े और गहने होते तो मैं भी जरूर जाती। तभी रागिनी को जादुई कटोरी का ख्याल आया। फिर वो जादुई कटोरी से बोली, जादुई कटोरी, क्या तुम मुझे सुंदर कपड़े और गहने दे सकती हो? मैं भी सज धज कर जन्मदिन पर जाना चाहती हूँ। रागिनी की ये इच्छा तुरंत ही जादुई कटोरी ने पूरी कर दी। अरे वाह, कितने सुंदर कपड़े और गहने हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी कटोरी। उसके बाद रागिनी तैयार होकर राजमहल जा पहुंची। सुंदर कपड़े और गहनों में रागिनी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि राजकुमार प्रताप भी बस उसे ही देखा जा रहा था। रागिनी अपनी बहन माला और सुधा की नजरों से बचते हुए पर्दे की ओट में खड़ी हो गई। तभी सैनिक ने घोषणा की, चलिए दावत खाने का समय हो गया है, आप सभी को महारानी ने भोजनालय में बुलाया है। सभी लोग दावत खाने जाने लगे लेकिन रागिनी वहीं खड़ी रही। तभी राजकुमार प्रताप उसके पास आया और बोला, अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम भी चलो ना दावत खाने। नहीं राजकुमार, बहुत देर हो गई है, मुझे अब जाना होगा। पर अभी तो दावत शुरू हुई है, तुम बिना खाए नहीं जा सकती। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। ये कहते हुए रागिनी वहाँ से जाने लगी। अरे पर अपना नाम तो बताती जाओ। लेकिन रागिनी जल्दी में थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी दोनों बहनों को उसके महल में आने के बारे में पता न चल जाए, इसलिए वो वहाँ से जल्दी से भाग आई। लेकिन भागते भागते रागिनी अपने पैरों की एक चप्पल वहीं छोड़ आई। जब वो घर पहुँची उसने फौरन अपने कपड़े बदले, गहने उतार कर और उन्हें छुपा कर अलमारी में रख दिया। तभी रागिनी की नज़र अपने पैरों पर गयी। अरे मेरी एक चप्पल कहाँ रह गई? ओह, लगता है जल्दबाजी में रास्ते में ही कहीं छूट गई। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा हुआ मैं दीदी के आने से पहले घर आ गई। उधर राजमहल में राजकुमार प्रताप रागिनी की याद में खोया हुआ था। तभी महारानी सुभद्रा आई और बोली, क्या हुआ राजकुमार, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं, काफी रात हो गई है। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। कौन है वो, हमें उसका नाम बताइए, वो रहती कहाँ है? माँ, मुझे उसका नाम और घर का पता नहीं मालूम, बस उसके पैर की चप्पल मेरे पास है। आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, हम इस चप्पल के जरिए उस लड़की को जरूर ढूंढ निकालेंगे।
अगली सुबह राजकुमार प्रताप कुछ सैनिकों को लेकर गांव भर में रागिनी को ढूंढने निकला। सैनिकों ने बारी बारी चप्पल गांव की लड़कियों को पहना कर देखा, लेकिन किसी के पैरों में वो चप्पल फिट नहीं आई। अरे ये क्या, ये चप्पल तो किसी के पैरों में आ ही नहीं रही, मुझे कहाँ मिलेगी मेरे सपनों की रानी। राजकुमार, अभी इस गांव में एक घर और बाकी है, वहाँ चलते हैं। अपने घर की ओर आते देख आंगन में बैठी सुधा खुश होते हुए माला से बोली, माला जल्दी बाहर आओ, राजकुमार प्रताप इसी ओर आ रहे हैं। क्या सच में? लगता है उन्हें मैं पसंद आ गई हूँ, इसलिए शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहे होंगे। दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थीं। तभी राजकुमार प्रताप अपने सैनिकों के साथ उनके घर पहुँचा। तुम दोनों जल्दी से एक एक कर अपना पैर आगे बढ़ाओ। पर क्यों? जिसके पैरों में ये चप्पल फिट आएगी, राजकुमार प्रताप उसी से विवाह करेंगे। राजकुमार से शादी तो सिर्फ मेरी ही होगी, ये चप्पल तो मेरे नाप का है, मेरी तो किस्मत चमक जाएगी। सुधा और माला ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उनकी ये सोच धरी की धरी रह गई और उनमें से किसी के पैरों में वो चप्पल फिट नहीं आई। क्या घर पर और कोई है क्या? नहीं नहीं राजकुमार, हम दोनों बहनों के अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। तभी राजकुमार प्रताप की नज़र दरवाजे के पीछे से छिपकर देख रही रागिनी की ओर गई। कौन हो तुम, बाहर आओ। रागिनी घबराते हुए बाहर आई, फिर वो राजकुमार प्रताप से बोली, राजकुमार ये चप्पल मेरी है, मुझे लौटा दीजिए। क्या, ये चप्पल तुम्हारी है? मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? ये देखिए, चप्पल का दूसरा जोड़ा मेरे पास है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल एक जैसी चप्पल है, एक बार ये चप्पल अपने पैरों में पहन कर दिखाओ। रागिनी ने चप्पल अपने पैरों में पहन कर दिखाया। ये देख राजकुमार प्रताप खुश होते हुए बोले, मेरी तलाश अब खत्म हुई। राजकुमार, अब तो आपको विश्वास हुआ ना, ये मेरी चप्पल है, अब मैं अपनी चप्पल अपने पास रख लूँ? हाँ, तुम अपनी चप्पल अपने पास रख सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना होगा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? राजकुमार प्रताप की बात सुन रागिनी ने खुशी से हामी भरी। उसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार प्रताप संग रागिनी का विवाह हुआ और दोनों बहनें हाथ मलती रह गईं। पुण्य और पाप के जादुई घड़े की, तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में साधना अपने पति मुकेश के साथ रहती थी। साधना एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई औरत थी। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहती थी। गरीब होने के बावजूद वो अन्य गरीब लोगों की मदद करती थी। गांव में जिस किसी को मदद की जरूरत हो, साधना बेझिझक उसकी मदद कर दिया करती थी। साधना के बगल में ही एक मीना नाम की औरत का घर था। मीना अपने पति के साथ रहती थी। मीना बिल्कुल साधना के विपरीत बहुत झगड़ालू औरत थी। उसे हर चीज में ज्यादा ज्यादा चाहिए होता था। मीना रोजाना सुबह उठकर सभी लोगों के आंगन से फूल चुरा लेती थी और उन फूलों से भगवान की पूजा करती थी और हमेशा भगवान से दूसरों का बुरा ही मांगती थी। उसने आज तक कभी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था, वो हमेशा भगवान से दूसरों का ही बुरा मांगती थी। ओहो, सारे काम हो गए, बहुत थक गई। अब मैं जल्दी से सो जाती हूँ ताकि कल सुबह जल्दी उठकर लोगों के आंगन से फूल चुरा सकूँ। वैसे भी कल महाशिवरात्रि है, भोले बाबा का आशीर्वाद तो सिर्फ मुझे और मुझे ही मिलना चाहिए। मैं शिव जी के पूरे मंदिर को ऐसे सजाऊंगी कि शिव जी की भी कृपा हमेशा मुझ पर ही बनी रहे। खुद से ही बातें करते देख मीना का पति वहाँ आता है और मीना से कहता है, अरे भाग्यवान, लगता है तुम पागल हो गई हो। क्यों जी, मैं आपको कहाँ से पागल दिख रही हूँ? नहीं, मुझे लगा, मैं तुम्हें कई दिनों से खुद से बात करते हुए देख रहा हूँ। क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है, सुबह जल्दी उठना है मुझे, आपकी तरह 11 बजे तक नहीं सोना। हाँ हाँ, तुम्हें सुबह जल्दी क्यों उठना है मुझे ये भी पता है, लोगों के आंगन से फूल चुराना होगा ना तुम्हें, और वैसे भी कल तो महाशिवरात्रि है, कल तो तुम्हें ज्यादा फूल चाहिए होंगे, यही सब प्लान बना रही थी ना तुम। ठीक है सो जाइए, अपना फालतू दिमाग मत लगाइए। इतना कहकर मीना और मीना का पति सो जाते हैं। अगली सुबह मीना 4 बजे ही उठ जाती है और गांव के सभी लोगों के आंगन से जल्दी जल्दी फूल तोड़ने लगती है। मीना फूल तोड़ते वक्त पेड़ों के बारे में जरा भी नहीं सोचती थी,
एक फूल तोड़ने से वो पूरा पौधा खराब कर देती थी। उसे सिर्फ फूल लेने से मतलब था। मीना की इस हरकत के बारे में गांव के सभी लोग जानते थे। सबको पता था कि मीना सुबह सुबह सारे पौधों में से फूल तोड़कर चुराती है। फूल तोड़ने के बाद नहा धोकर मीना शिव जी को पूरा फूलों से सजा देती है और बहुत खुश होती है। वाह, आज तो मैंने शिव जी को सबसे अच्छा सजाया है। मुझे पता है शिव जी सबसे ज्यादा मुझसे ही खुश होंगे। चलो, पूजा तो हो गई, जरा नदी से पानी भर के ले आती हूँ। उसके बाद मीना नदी के पास पानी भरने जाने लगती है। रास्ते में मीना को उसके पड़ोसन साधना मिल जाती है। वो दोनों आपस में बात करते करते जा ही रहे थे, तभी अचानक से अपने घर से एक बूढ़ी औरत निकलती है और कहती है, अरे मीना बेटी, देख तो जरा, सुबह सुबह मेरे आंगन में कोई कुतिया घुस गई थी, जो पूरे आंगन के पौधे खराब करके चली गई। जरा इसे साफ करने में मेरी मदद करोगी? बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर मीना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अरे ओ बुढ़िया, सीधा बोल कि मीना सुबह सुबह मेरे आंगन से फूल तोड़कर ले गई। ये कुतिया किसको बोल रही है तू? पूरे गांव में सबको पता है कि सुबह सुबह मैं ही फूल तोड़ती हूँ। अरे मीना बेटी, ऐसी बात क्यों करती हो? मैं तुझे थोड़ी ना कुतिया बोलूंगी। मुझे सच में लगा कि किसी कुतिया ने आकर आंगन का तहस नहस कर दिया है। इसे साफ करने में थोड़ा मदद कर दे बेटी। चुप करो, हमारे पास अपने काम नहीं है क्या? चल साधना चलते हैं पानी भरने, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। मीना तुम जाओ, मैं पीछे से आऊंगी, अम्मा की थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। अम्मा बहुत बुजुर्ग है ना, इनसे झुका नहीं जाता होगा। हाँ हाँ, तूने ही तो ले रखी है सारे गांव की जिम्मेदारी, पूरे गांव की नौकरानी बनी हुई है। करती रहे दूसरे लोगों के काम, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो चली। उसके बाद मीना नदी पर जाकर पानी भरने लगती है। जब वो पानी भर रही होती है तभी वहाँ पर साधना आ जाती है। साधना को देखकर मीना कहती है, आ गई गांव की प्रसिद्ध काम वाली। वैसे तो तुम रोज किसी ना किसी का घड़ा पानी भरने के लिए ले ही आती हो, आज नहीं दिया किसी ने तुम्हें अपना घड़ा पानी भरने के लिए? तुम हमेशा ऐसी बातें ही क्यों करती हो मीना? गांव में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिनसे ऐसे काम नहीं होते। क्या हुआ अगर हम उनके थोड़ी मदद कर देते हैं तो? ये तो हमारे पुण्य के घड़े में जाता है। हाँ हाँ ठीक है, करती रहो लोगों की बेगारी। तभी वहाँ पर संतरी साड़ी में एक सन्यासिनी बुढ़िया आती है और वो कहती है, बेटी पीने के लिए थोड़ा सा पानी दोगी? मुझे बहुत प्यास लगी है बेटी। तभी वहाँ खड़ी मीना कहती है, अरे ओ अम्मा, चलो निकलो यहाँ से, पानी पीने के लिए तुम्हें इतनी बड़ी नदी दिख नहीं रही? ले लो कहीं से भी पानी और खुद पी लो, पानी भी कोई मांगता है? तुम लोगों की तो मांगने की आदत हो गई है। अरे बेटी, मेरे पास पानी पीने के लिए कोई साधन नहीं है। तुम्हारे पास हाथ तो है ना, हाथ से पी लो, हमें क्यों परेशान कर रही हो? अब जाओ भी। मीना की बातें सुनकर साधना कहती है, रुको मीना, तुम्हें दिख नहीं रहा है उनकी कितनी ज्यादा उम्र हो गई है? आप रुकिए अम्मा, मैं अभी आपको अपने घड़े से पानी पिलाती हूँ। इतना कहकर साधना नदी के नजदीक जाती है और अपने घड़े में पानी भर के सन्यासिनी बुढ़िया को बड़े प्यार से पिलाती है। साधना का व्यवहार देखकर सन्यासिनी बुढ़िया बहुत खुश होती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, क्या तुम भी इसी गांव की रहने वाली हो? हाँ अम्मा, हम दोनों इसी गांव में रहते हैं, आप कहाँ से आई हो? बेटी, हम सन्यासी लोगों का कहाँ कोई घर होता है, हम तो इसी तरह एक गांव से दूसरे गांव भटकते रहते हैं। कई लोग तुम्हारे जैसे दरिया दिल मिल जाते हैं तो कई लोग हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। आज तुमने मुझे बड़े प्यार से पानी पिलाया है, मुझे बहुत खुशी हुई। आशीर्वाद के रूप में मैं तुम्हें एक मटका देना चाहती हूँ। जब तक वो मटका तुम्हारे घर में रहेगा, तुम्हारे घर में सुख शांति बढ़ती रहेगी और बहुत पैसा भी आएगा। सन्यासिनी बुढ़िया की ये बात सुनकर मीना हैरान हो जाती है और तुरंत उनके पास जाकर कहती है, अम्मा जब आप ये जादुई मटका साधना को दे ही रही हो तो एक मुझे भी दे दो। मीना की ये बात सुनकर वो मुस्कुराने लगती है और कहती है,
क्यों नहीं बेटी। इतना कहकर वो सन्यासिनी बुढ़िया दो मटके प्रकट करती है। एक मटका सोने का था और दूसरा मिट्टी का। सोने का मटका देखकर मीना पागल हो जाती है। सन्यासिनी बुढ़िया कुछ कह पाती उससे पहले ही मीना कहती है, अम्मा क्या मैं ये सोने वाला मटका ले जाऊं? मुझे इस मटके का आकार बहुत अच्छा लग रहा है, आप ये मिट्टी वाला मटका साधना को दे देना। इतना कहकर मीना सोने का मटका उठाती है और वहाँ से जल्दबाजी में घर की तरफ जाने लगती है। तभी सन्यासिनी बुढ़िया कहती है, रुको बेटी, तुम अपने सोने के मटके में पानी लेकर जाओ। मीना तुरंत नदी से सोने के मटके में पानी भर लेती है। दूसरी तरफ साधना के लिए मिट्टी वाला घड़ा बचा था, वो बिना कुछ कहे मिट्टी का घड़ा उठा लेती है और पानी लेकर घर जाने लगती है। मीना अपने मन ही मन में सोचती है, अच्छा हुआ मैंने जल्दी से अम्मा से कहकर सोने का मटका ले लिया, वरना इस बेवकूफ साधना के हाथ ही सोने वाला घड़ा लग जाता और मेरे हाथ में मिट्टी का घड़ा आता, जिसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। ये सोचते सोचते मीना जल्दबाजी में अपने घर जाने लगती है। रास्ते में आज मीना किसी से बात नहीं कर रही थी, कोई उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा था तो वो उसके तरफ देखे बिना ही चली जा रही थी। जिस रास्ते से मीना जा रही थी उस रास्ते पर एक कुत्ता लेटा हुआ था। कुत्ते के पैर पर जख्म हो गया था, इस वजह से वो चल नहीं पा रहा था और लेट कर रास्ते में आते जाते लोगों को मदद की नजरों से देख रहा था। मीना उसकी तरफ देखती है लेकिन उस पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ जाती है। उसी जगह जब साधना पहुंचती है तो वो भी उस कुत्ते को देखती है। साधना उसे इस तरह कष्ट में देखकर बेचैन हो जाती है और अपना मटका साइड में रखकर उस कुत्ते का घाव अपने साड़ी के पल्लू से साफ करती है। ओहो तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, तुम्हारी चोट पर कीड़े लगे हुए हैं, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। साधना उस कुत्ते को लेकर गांव के जानवरों के अस्पताल में जाती है। उस कुत्ते का इलाज होता है और वो कुत्ता ठीक हो जाता है। फिर साधना अपना घड़ा लेकर घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन मीना अपने घर पहले ही पहुंच गई थी। मीना अपने घड़े के पानी को बाहर फेंक देती है और घड़े को घर में रख लेती है, लेकिन वो जैसे ही अपने घड़े को घर में रखती है वो एक बड़े से सांप का रूप ले लेता है, जिसे देखकर मीना घबरा जाती है। अरे ये मटका अचानक से सांप के रूप में कैसे बन गया? वो सांप मीना का पीछा करने लगता है। मीना उसे डर के भागने लगती है। मीना भागते भागते उस सन्यासिनी बुढ़िया को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ साधना जब अपने मटके का पानी घर में रखे बड़े मटके में पलटने लगती है तो उसके मटके से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया, वो अम्मा सच में कोई कुदरत की शक्ति थी। साधना बहुत खुश होती है और यहाँ मीना सांप से बचकर भाग रही थी। लास्ट में मीना घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़ लेती है। अम्मा कहाँ हो आप, प्लीज मेरी मदद करो और इस सांप से मुझे बचा लो। तभी वहाँ अम्मा प्रकट होती है और कहती है, मीना तुमने जो घड़ा उठाया था वो जादुई पाप का घड़ा था और तुम्हारी पड़ोसन साधना ने अपने लिए पुण्य का घड़ा उठाया, इसलिए उसका घर सोने से भर चुका है। इतना कहकर वो अम्मा गायब हो जाती है और साथ में वो सांप भी गायब हो जाता है। अब मीना को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे पेड़ पौधों को नुकसान करना और लोगों से बदतमीजी से बात करने वाली अपनी सारी गलती याद आती है। उसे समझ में आ जाता है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो सबकी मदद करता है।